रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। गैस टैंकर और पत्थर लदी ट्रक में भिड़ंत, टैंकर में भयावह आग, विज्ञापन बीरभूम। पत्थर लदी एक ट्रक के गैस टैंकर से आमने सामने की भिड़ंत होने से गैस टैंकर में भयावह आग लग गई। टकरार के कुछ ही देर बाद टैंकर से तेज गैस के साथ आग निकलने लगा। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 4 इंजन की मदद से टैंकर में लगी आग पर काबू पाया गया। दुर्घटना में दोनों ही वाहन के चालक और खलासी जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना सोमवार दोपहर 12:30 बजे के लगभग सिलउड़ी के मोहम्मद बाजार में घटी। हादसा उस समय हुआ जब सिलउड़ी से रामपुरहाट की तरफ जा रही गैस टैंकर की सामने से आ रही पत्थर लदी ट्रक टक्कर हो गई। दोनों ट्रक के आमने सामने की टक्कर से गैस टैंकर से तेज गैस निकलने लगा। इंजन से निकलने वाले आग के स्पर्श में आने से गैस टैंकर में आग लग गई। कुछ ही देर में टैंकर की ऊपरी तरफ से तेज आग का गुब्बारा निकलने लगा, जिसे एक कई किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। आग ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। गैस भर्ती टैंकर में आग लगी हालत में देखा आमने सामने के अन्य वाहन चालकों ने अपने वाहनों को दूर पर ही रोक दिया। इस घटना से सोमवार दोपहर से शाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 60 कुछ घंटे के लिए पूरी तरह से ठप हो गया। भारी वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी हुई, जबकि छोटे वाहन आसपास के गली से निकलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस घटना की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पहुंचकर सुरक्षा के लिहाज से सभी वाहनों को दूर पर ही रोक दिया। हादसे के बाद घटना स्थल पर पहले तो दमकल की 2 इंजन पहुंचा, बाद में आग की तीव्रता देखते घटना स्थल पर दमकल की कुल 4 इंजन को काम पर लगाया गया।